प्रणाम। स्वागत है आपका भगवद गीता के इस एपिसोड। इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 2 और श्लोक 8 की, जो कि कुछ इस प्रकार है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं देख पा रहा जो मेरी इंद्रियों को कष्ट देने वाली इस आंतरिक व्यथा को दूर कर सके। कुछ भी नहीं, इस संपूर्ण धरती का अद्वितीय और संपन्न राज्य तथा स्वर्ग के देवताओं पर प्रभुत्व भी इसे दूर नहीं कर सकता। इस श्लोक में भी जो है अर्जुन जो है एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पे वो एक परेशानी से गुजर रहा है। वो अपने भीतर जो है एक स्प्लिट में है, एक बटी हुई अवस्था में है। एक तरफ जो है उसको लगता है कि क्या वो इंद्रियों को भोगे और दूसरी तरफ उसको लगता है कि क्या वो इंद्रियों को त्यागे। इस तरह की एक कन्फ्यूजन की जो एक स्टेट है वो जो है अर्जुन की दिखाई गई है। कि जैसे हमने श्लोक 7 में बात करी थी कि अर्जुन को थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ है कि क्या उसके लिए ठीक है क्या उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन अभी बुद्धि का जो है जन्म नहीं हुआ है। ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस हैं जहाँ पे साधक जो है थोड़ा थोड़ा जो है सही रास्ते को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी है, अभी जो है वो अपनी इंद्रियों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए अर्जुन को लगता है कि शायद वो कभी भी इससे जो है बाहर नहीं आ पाएगा। उसको जो है क्लैरिटी नहीं दिख रही, अभी उसके लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इस वक्त अर्जुन को लगता है कि अगर वो जो है अपनी इंद्रियों को त्याग भी देगा तो भी इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या मिल जाएगा। यहाँ पे जो है एक नेगेटिव स्टेट की जो है बात की जा रही है। जब भी आपको किसी चीज़ की वैल्यू गिरानी हो, आप उसके अंदर जो है सवाल लगा दीजिए, उसमें जो है क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि इससे होगा क्या। ये जैसे ही आप इस तरह का सवाल अपने आप से पूछते हैं कि उस काम की जो इम्पोर्टेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है। कि मैंने आपको जो है एक सुंदर सा फूल दिया और आपने जो है ये सवाल उठा दिया कि इससे क्या होगा, मैं फूल का क्या करूँगा, इस फूल को मैं रख भी लूँगा तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अर्जुन के अंदर जो है ये नेगेटिव एक स्टेट बनते हुए हम देख रहे हैं, जहाँ पे जो है एक तरह का उसके भीतर एक थॉट एक क्रिएट हो रहा है कि अगर ये हो भी जाएगा तो भी इससे क्या। मान लो कि मैं एनलाइटेंड हो गया, मान लो कि मुझे बुद्धत्व मिल गया, मान लो कि मेरी साधना में जो मैं चाहता हूँ वो घट गया तो भी क्या। लेकिन ये कुछ ऐसी स्थिति है कि एक भिखारी बोले कि मैं क्या करूँगा पैसे का, अगर मिल भी जाएगा तो भी क्या। ये आप तब बोल सकते हैं जब आपके साथ ये चीज़ घटे। अभी जो है अर्जुन जब ये बात बोल रहा है, ये तब बोल रहा है जब उसके जीवन में अभी तक ये बात घटी नहीं है। इस बात को बोलने का हक उसको है जो इस प्रोसेस से जो है गुजर गया है, जो एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया है कि वो अपने स्थान पर पहुँच गया है, कि उसने मंजिल अपनी पा ली है। तो बिना मंजिल पाए हुए मंजिल की व्यर्थता को बात करना जो है वो बिल्कुल फिजूल है। ये श्लोक आपको जो है रिमाइंड कराता है कि माइंड की इस नेगेटिव स्टेट से जो है बचना है, कि आपका मन जो है आपको वापस अपने पैटर्न में लेके जाना चाहता है, कि आपको वापस अपने जो है संस्कारों में लेके जाना चाहता है, पुरानी आदतों में लेके जाना चाहता है। और जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो अध्यात्म का जो रास्ता है, वो कुछ ऐसा है कि जिसके अंदर जो है आपको अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ना पड़ता है, अपनी आदतों से जो है ऊपर उठना पड़ता है, अपने भीतर जो है एक जागरण लेके आना पड़ता है। इसलिए बार बार जो है साधक जो है एक कंफर्टेबल स्टेट में हो जाना चाहता है जिसमें वो पहले था। वो वही जीना चाहता है जो उसको पता है। वो उन्हीं आदतों के साथ जुड़ा रहना चाहता है जिन आदतों से उसको दुख मिलता है। उसको लगता है कि कम से कम ये आदतें जो है मेरी देखी हुई हैं, मेरी जानी हुई हैं। और जिस परम सुख की जो है भगवान कृष्ण बात करते हैं वो हो सकता है कल्पना की बात हो, वो है भी कि नहीं ये भी नहीं पता। तो एक साधक के लिए जो है अपनी इंद्रियों का जो सत्य है वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम भगवान कृष्ण की बात करें, कि जिसको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को कि तुम जो है एक परम सुख की अवस्था में हो सकते हो। लेकिन अभी जो है वो परम सुख की जो अवस्था है उसके लिए जो है सिंपली एक तरह की एक ड्रीम की तरह है, एक इल्यूजन की तरह है। उसको अभी यकीन नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। उसको ये लगता है कि हो सकता है भगवान कृष्ण जो है झूठ बोलते हों। और तभी जो है हम बोलते हैं कि जब तक कि गुरु में जो है श्रद्धा नहीं होती तब तक जो है शिष्य की जो है ग्रोथ नहीं हो पाती है, क्योंकि शिष्य को जो है गुरु के ऊपर जो है पूरी तरह से बात छोड़नी पड़ती है। गुरु के ऊपर अगर श्रद्धा नहीं है तो आप एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। उस गुरु के ऊपर अगर श्रद्धा है तो हजारों मील की यात्रा भी जो है ऐसे हो जाती है जैसे पता नहीं चलता। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि श्रद्धा ऐसी हो कि गुरु चाहे फिर तुम्हें गलत भी लेके जाए तुम गलत के साथ चलने के लिए राजी हो।
गुरु तुम्हें नरक भी लेके जाए, तुम नरक जाने के लिए राजी हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम जो है उस गुरु के साथ हो गया है। और एक बारी वो प्रेम जो है उस गुरु के साथ हो जाए, फिर किसी बात की परवाह नहीं है। फिर तो शिष्य ये भी नहीं सोचता कि वो उसको पहुंचना है। शिष्य जो है एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो ऑलरेडी अपने भीतर जो है पहुंच ही जाता है। तो गीता का ये श्लोक जो है आपको जो है गुरु की कृपा के बारे में बताता है कि अगर गुरु की कृपा है, कि अगर गुरु की जो है ब्लेसिंग है, ग्रेस है, तब आपकी चिंता जो है गिर जाती है। क्योंकि आपके लिए एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट रह जाती है कि मुझे जो है बस गुरु के संपर्क में रहना है, मुझे गुरु के साथ जुड़े रहना है। और उस प्रेम के कारण, उस श्रद्धा के कारण शिष्य जो है धीरे धीरे गुरु की तरह ही हो जाता है। शिष्य जो है धीरे धीरे जो है प्रभु की तरह हो जाता है। शिष्य जो है अपने होने को पहचान लेता है। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रणाम।